बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मदनलाल सैनी को, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि मदनलाल सैनी का सियासी सफर कैसा रहा। मदनलाल सैनी के जीवन परिचय की बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी का जन्म 13 जुलाई 1943 को सीकर के पुरोहित जी की धाणी में हुआ। सैनी छात्र संघ राजनीति में भी खासे सक्रिय रहे। सैनी सीकर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। इसके बाद मदनलाल सैनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश महामंत्री भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सैनी का पुराना नाता रहा है। 1952 में सैनी ने आरएसएस का दामन थामा। इसके बाद वो मजदूर आंदोलनों और किसान संघों में सक्रिय रहे। पेशे से वकील मदनलाल सैनी ने 1970 से 1975 तक सीकर जिला कोर्ट में वकालत की। आपातकाल के दौरान वकालत छोड़ सैनी भूमिगत रहे। सैनी 1978 से 1990 तक अखिल भारतीय मजदूर संघ के पूर्णकालिक सदस्य रहे। 1972 से 1984 तक भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रहे। 1990 में मदनलाल सैनी ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और वो झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक चुने गए। 1991 में सैनी झुंझुनू के बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे। सैनी ने 1991 और 1998 में झुंझुनू लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट से लड़ा। 3 अप्रैल 2018 को मदनलाल सैनी राज्यसभा सांसद चुने गए। अपने सियासी सफर में सैनी 3 बार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे। अभी वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान प्रकल्प के प्रमुख हैं। इसके इतर सैनी 20 साल से बीजेपी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और सरदार पटेल स्मारक राज लोह संग्रहण समिति के प्रदेश प्रभारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।